यही गुजारिश है जी, वो फितरों लेके अपना बाड़ा करना पाल रही, 6-7 साल से उसका धनी 6-7 साल हो गए गुजरे, वो फितर दे रहे जी, हम भी सारे गांव उसके लिए फितरे दे रहे, वो पाल रही, दिन कट रहा है उसके, अब इन जी वो लाठी देके नहीं मार दी। अब जी इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ मिल जाए और बेचारे लोग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया भी नहीं किया? ना कह रहा जी। क्या कहते हैं पुलिस? दबाव जी उस पर सरपंचन को, महिलान को, सबन को, पुलिस पे चांदड़ पुलिस पे दबाव कोई हुई ना जी, जैसे गरीब आदमी जैसे कर रख रहा कुछ ना नो तमाम लोग दबाए जा रहा जी, वो ले काटा और जाओ भाई। मामला ये है, सर्री दुकान पर गए और रोजा का सामान ले लो, और वहाँ देख के नहीं हुआ के 10-20 आदमी ने लाठी लेर भगा वक पीछे, वो वह बैरबानी के घर में घुस गो, वह घर में घुस के नहीं, वह बैरबानी का घर में घुस के लाठी दिया वहाँ के, वो बैरबानी वहाँ के ऊपर पड़ गया के नहीं बचान लो आए, जब वह बैरबानी में लाठी दिया कि आप मार दियो एक संग भाई, ये मामलो है। और वह को आदमी मर गो 4-5 साल पहले, ये नहीं मार हो भी वन की साजी तीवा में, वो बीमार हो दिखायो ना नुक पढ़ रहन दियो या बैठ चो दे कुछ ना है, इसके एक रे बाकी गरीब आदमी है अपने टाइम पास कर रही, फितरो ले कर रही, अपने बाड़कन पाल रही छोटे छोटे बाड़क वाके। कल पुलिस ने शिकायत की थी चांडा का चौकी में, क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई ना हुई चांडा का चौकी की, पुलिस कह रही है कहीं कुछ ना है, चलो वन वन पर राजनेता को दबाव है। किसका दबाव है? चांडा का चौकी पुलिस थानेदार सबका दबाव है भाई। किस नेता का दबाव चल रहा है? नेता यही एमएलए सरपंच हमारे गांव में, गांव में उसका पोस्टमार्टम हुआ महिला का नहीं? पोस्टमार्टम मेरे ध्यान से तो होगा उसका, अभी मिट्टी लगी नहीं लगी? मिट्टी तो नहीं लगी अभी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है अब तो कि उसका पोस्टमार्टम हो रहा, जो वहाँ डॉक्टर पे दबाव चल रहा है कि इसके चोट मत दिखाओ, और पूरा दबाव है राजनेता का वहाँ हमारे महिला सावन का, इसको बच्चा अब उसका बच्चा इनको कंडेप कर रखा है कि इन्हें बाहर मत लिखन दियो, इनको दुबकाई रखो। किसने किडनैप कर रखा? जिनने उनकी माँ मारी है उनने, जो उनके कब्जे में बच्चे हैं? हाँ उनने ही दुबका रखा, उनने कायलू दे ही ना रहा, उनने एक रिश्तेदार ले जा रो बच्चा ने, रिश्तेदार धमका के ताड़ दियो भाग जाए तो तुलना दे रहा इनने। तो अभी पुलिस को कोई सूचना दी इस तरीके से बच्चे उनके कब्जे में हैं? पुलिस को सूचना 112 नंबर से कही, वो कह रहा चांडा की चौकी से कहो, चांडा की चौकी हमारी सुनाई नहीं कर रही है। क्या कह रही है? कह रहा है कि मेडिकल हो जान दो जब होएगा सब कुछ।